आज की वीडियो में हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर टूल को डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जिन लोगों की ऑनलाइन वर्कशॉप्स वगैरह या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अटेंड करने के लिए मुख्तलिफ सेशंस लगाए जाते हैं और उनकी हाजिरी जो है वो लाजमी तौर पे कंसीडर की जाती है कि वो ऑनलाइन होकर अपनी वर्कशॉप्स अटेंड करें या कोई भी जो कोर्सेज हैं उनको अटेंड करें। तो ज़्यादातर ये होता है कि कुछ लोगों के पास तो इस चीज़ की फैसिलिटी नहीं होती, अगर होती भी है तो एक वक्त में एक ही यूज़र उससे फैसिलिटेट हो सकता है। तो ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से एक वक्त में मल्टीपल यूज़र जो हैं वो किसी एक ही वेबसाइट में अपने अपने अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने ऑनलाइन वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करनी है तो वो इस टूल की मदद से अपनी अपनी लॉगिन आईडी के थ्रू एक ही कंप्यूटर पे एक ही वक्त में लॉगिन कर सकते हैं और अपनी वर्कशॉप्स वगैरह या जो भी उनका जो स्टडी शेड्यूल होगा उसको वो जो है वो अटेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्रोम ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा आपको, उसमें जाके आप लिखेंगे मल्टी सेशन बॉक्स और मल्टी सेशन बॉक्स एक एक्सटेंशन है क्रोम की जो आपको मल्टीपल लॉगिन की सहूलत फ्राहम करती है। जब आप लिखेंगे तो इस तरह का एनवायरनमेंट आपके सामने खुलेगा और यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ आएगा ऐड टू क्रोम। अब ये मेरे पास रिमूव फ्रॉम क्रोम इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप लोग ऐड करेंगे इसको तो ये ऐड होने के बाद जो इसका एनवायरनमेंट होगा वो कुछ इस तरह से, ये जो नीचे आपको दिखाया जा रहा है इस तरह का एनवायरनमेंट इसका बनेगा। और इसका आइकन जो है ये जो आपको ये मैं कर्सर की मदद से दिखा रहा हूँ ये इस तरह का एक आइकन होगा। अगर यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है तो ठीक है, नहीं शो हो रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो पिन नज़र आ रही है इसको आप हाईलाइट कर लेंगे, यानी इसको क्लिक करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगी और अगर ब्लू कलर ख़त्म होगा तो वो हाईलाइट नहीं होगी, यानी वहाँ से हाइड हो जाएगी। तो आपने ये करना है हाईलाइट कर लेना है ताकि यहाँ पे ज़ाहिर रहे। फिर आप क्या करेंगे, फर्ज करें ओपन यूनिवर्सिटी जो है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी उसी की वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं। किसी यूज़र के अकाउंट को हम क्लिक करके ओपन करेंगे और वहाँ पे ये करेंगे कि लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे और वहाँ पे असाइनमेंट सबमिशन या जिस भी जगह पर जो भी यूज़र आप अकाउंट में लॉगिन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप किसी नए यूज़र के अकाउंट से अगर लॉगिन करना चाहते हैं तो आप दोबारा इसी एक्सटेंशन को क्लिक करेंगे और वहां से न्यू सेशन पे क्लिक करना है आपने। न्यू सेशन पे क्लिक करने के बाद एक और हमने न्यू सेशन पे क्लिक करने के बाद एक और विंडो आपके सामने जाहिर होगी और उसमें भी आप नए यूज़र की आईडी और पासवर्ड वगैरह डालेंगे। इसी तरह से जितने भी अकाउंट्स आप ओपन करना चाहते हैं उन सब की आईडी और पासवर्ड डाल। ये सिर्फ इस एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के लिए नहीं, यानी आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे जो भी आपकी ऐसी वेबसाइट जहाँ पर आपको लॉग इन आईडी और पासवर्ड रिक्वायर होता है और आप एक वक्त में सिर्फ एक यूज़र वहाँ पर लॉग इन कर सकता है, आप इस टूल की मदद से मल्टीपल यूज़र को एक ही वक्त में उस वेबसाइट तक रसाई जो है वो दे सकते हैं जो ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नहायत ही कारम टूल है। तो उम्मीद है कि ये आपके लिए एक मुफीद वीडियो साबित होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। वस्सलाम।